नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आज 73वां आर्मी डे है। इस अवसर पे सेना अलग अलग मुख्यालयों पे अपना आयोजन कर रही है, परेड निकाल रही है और दिल्ली में भी जो है इंडिया गेट से लेकर के KM करियप्पा ग्राउंड तक परेड और झांकियां निकाली जा रही है। क्योंकि आज कोहरा बहुत पड़ा है इसलिए कोहरे की चादर में लिपटी दिल्ली और उसमें परेड का आयोजन देख करके आप मुग्ध हो जाएंगे। देखिए पहले। तो जैसा कि आपने देखा कि परेड का आयोजन किया जा रहा, कितना देख करके अच्छा लग रहा है। सेना को इस अंदाज में देख करके सीना चौड़ा हो जाता है। भारतीय सेना दुनिया के उन कुछ गिनी चुनी सेना में है जो कि बहुत ही शक्तिशाली मानी जाती है। लेकिन आर्मी डे 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? आर्मी डे 15 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन 15 जनवरी 1949 को ब्रिटिश के हाथ से भारतीय सेना की जो कमांड है वो आई थी भारतीयों के हाथ में। उसका जो जनरल फ्रांसिस बूचर थे उनसे KM करियप्पा ने ये जो है ग्रहण किया था, यानी कि पहले भारतीय सेना के चीफ बने थे जो कि बाद में चल करके फील्ड मार्शल बने, उसी की याद में उसी की वजह से आज के दिन ये आर्मी डे मनाया जाता है। आपको बता दें कि आर्मी डे मनाने के पीछे कहीं ना कहीं जो आर्मी का एक उत्सव है और एक शौर्य का जो प्रदर्शन है वो किया जाता है। वैसे यदि बैकग्राउंड में जाएंगे, इतिहास में जाएंगे तो भारतीय सेना की स्थापना ब्रिटिश कंपनी ने 1776 में की थी और उसके बाद से उसका पूरी सेना उसकी हो गई, कमांड उसका होता था, कमांडर उसका होता था और हम भारतीय सिर्फ सेना में भर्ती होते थे लड़ाई में भागने के लिए, युद्ध में भाग लेने के लिए। जहां वो कमांड देते थे, जहां भेजते थे वहां जाना पड़ता था, न चाहते हुए भी जाना पड़ता था। प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध में भी भाग लेना पड़ा था। तो भारतीय सेना का दुनिया में शांति स्थापित करने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन जब तक ये अंग्रेज रहे तब तक इसका कमांड जो है उन्हीं के हाथों में था, हम सिर्फ आदेश का पालन किया करते थे। लेकिन जैसे ही देश आजाद हुआ तो 15 जनवरी 1949 को पूरी तरीके से सेना भारतीय हाथों में आ गई और उसी की याद में उसी जश्न को हम हर साल 15 जनवरी को मनाते हैं। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।